गुड मॉर्निंग। और यहाँ से हम ऊपर जाते हैं भैरव मंदिर। ये हमारा रूम है। ब्रेकफास्ट हमने कर दिया और अब बारी है थोड़ा सा सेट वेटर पहन के, टोपी पहन के, थोड़ा सा शंकराचार्य जी की जो समाधि है वो देखने जाऊंगा। और उसके बाद फिर मैं 9-10 बजे में फिर वापस निकल जाऊंगा मैं ट्रैक करके नीचे तरफ। बहुत ज़्यादा ठंडी थी, मतलब ठंडी है, खतरनाक टाइप वाली है। और अभी टाइम हो रहा है 25 अक्टूबर और 8:12 हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड के साथ मैं पी रहा हूँ चाय। सफरी कर रहे थे यहाँ पे। ग्लेशियर है पूरा उधर, काल भैरव बाबा मंदिर। अभी ब्रेकफास्ट करके मैं अपने रूम से शंकराचार्य जी के समाधि में जा रहा हूँ। 25 अक्टूबर है आज। आई थिंक मेरे ख्याल से सूर्य ग्रहण के कारण कपाट आज बंद है, जो कि शाम को खुलेंगे। हाँ, शाम को खुलेंगे, जो कि अरे आप मत झुको। जय श्री राम, जय श्री राम। अपन दोनों कुछ कुछ शॉर्ट्स और वीडियोस निकालने थे, वो हमने निकाल चुके हैं। बाकी आपको इंस्टा एंड YT शॉर्ट्स में शो हो जाएंगे, सब दिख जाएंगे। 8 बज गए तो धूप भी निकल चुकी है। अब ट्रैक करने मज़ा भी आएगा धूप में। और यही वो पत्थर है। हम शंकराचार्य जी के समाधि के पास जा रहे हैं। ठंडी होते होते ऐसी ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है सांस लेने में। यहाँ सब पत्थर रखे हुए जमाते हुए शॉर्ट्स बनाते हैं इंस्टाग्राम रील्स वील्स के लिए। और ये है श्री आदि शंकराचार्य समाधि JSW में। ये टिप किया है, एक मिनट। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे की सपोर्ट करता है, घूमने फिरने, फोटो वीडियो लेने में हर कोई एक दूसरे की सपोर्ट करता है। कोई निकाल देता हर फोटो। ओम नमो भगवते रुद्राय।
और दर्शन हो चुके हैं श्री आदिचार्य आदि शंकराचार्य जी के समाधि जी के। अभी हम ऊपर जा रहे हैं वापस, अब मुझे बैक टू होटल जाना है। मेरी सब चीज़ जिम थे सब कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं यहाँ से ट्रैक करके निकलूँगा क्योंकि हेलीकॉप्टर तो मुझे मिलने वाला है नहीं, उसके लिए वेटिंग लगाना पड़ता है, लाइन लगना पड़ता है। और रूम मैंने चेकआउट कर दिया, मैंने रूम छोड़ दिया अभी, और 9:21 अब हम निकल रहे हैं अपने रूम से, होटल से बाहर। सामने मंदिर जय श्री केदार, हर हर महादेव। बहुत अच्छा इन्जॉयमेंट हुआ, बहुत अच्छा लगा, भक्ति शक्ति सब चीज़। अब देखते हैं ट्रैक कर रहे हैं हमको कितना मिनट लगता है यहाँ से, कि हेलीकॉप्टर मिलता है कि नहीं। और अभी हम निकल रहे बाहर मंदिर के, ये इसके कैंपस, बाहर जा रहे हैं हम, बाहर निकल रहे हैं। देखते हैं ट्रैक करके आने में कितना मिनट लगता है हमको। 9:21 को मैंने निकला था। यहाँ का रेस्टोरेंट अच्छा फेमस है, अदरवाइज अगर आप दिन में आते हो तो दिन में तो भंडारा मिलते ही रहता है यहाँ पे, कहीं ना कहीं भंडारा चलते रहता है, तो उसका दिक्कत नहीं है। और भी नए नए होटल्स यहाँ खोल रहे हैं सब जगह, बट अगर मंदिर के सामने आप होटल लेंगे वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन क्या करें, शौक भी बड़ी चीज़ है, करना पड़ता है। अकेले ही ट्रैक कर रहा हूँ, सोलो ट्रैक। वहाँ पे थे हम ऊपर, ये पूरा कवर करके, अभी हमको वहाँ नीचे जाना है, बड़ी लिचुली। मैं एक घंटा अपना हेलीपैड में वेस्ट कर दिया, 9:41 को निकला, हेलीपैड गया, वहाँ पे हेलीपैड वालों की इतनी बड़ी डिमांड थी। आज सूर्य ग्रहण तो कपाट बंद रहेंगे करके, तो हेलीकॉप्टर वाले लोग 5,000, 6,000, 7,000 वन वे का चार्ज कर रहे थे हर कोई। मैं बोला उतना जी ऐसे अच्छा है कि अपना सोलो ट्रैक कर लो, पैदल निकल जाओ, 4-5 घंटे में हम पहुँच भी जाएंगे नीचे। ग्रिप वाली शूज़ पहननी है, सिंपल वाली जो सरफेस होती है प्लेन सरफेस वाली शूज़ मत पहनना, और हमेशा जिग जैग होकर चलना अपने को। और अभी मैं भीमबली पहुंच चुका हूं, 9:41 को मैं बीकानेर होटल से निकला था और 10:40 तक मैं हेलीपैड में था, और अभी हो रहा है 12:35 और मैं भीमबली पहुंच ही चुका हूं। इट मीन्स दो घंटे मुझे लगे भीमबली तक पहुंचने में, अभी और गौरीकुंड जाने में कुछ 6 किलोमीटर लगेंगे, इट मीन्स हो सकता है तो 1.5 घंटा और, 4 घंटे 4.5 घंटे में नीचे उतरना पड़ता है घोड़े से या फिर पैदल है तो, बट हम सोचेंगे कि उसको और जल्दी रिकवर कर ले, उस टाइम को और डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखो कैसे गाड़ी आती है। और यहाँ से हम घोड़ा लिए थे और 10:40 को अपन हेलीपैड से निकले थे 10:40 को, अभी 2:25 और सामने वो है गौरीकुंड। मैंने 2 ब्रेक लिए, एक ब्रेक मेरे 10 मिनट के थे और एक ब्रेक मेरे 5 मिनट के थे। 15 मिनट्स मैंने ब्रेक लिए और अभी मुझे 5 मिनट और लगेगा, और कुल मिला के अगर अप्रोक्स देखा जाए तो 4 घंटा लगता है उतरने में कंटिन्यू अगर आप उतरेंगे तो। और अभी टाइम हो रहा है 2:46, जहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया था वहीं पर मैं पहुँच गया हूँ। अभी बर्गर खा रहा हूँ और पराठे खाऊँगा, यहीं पे मैं हमेशा खाता हूँ तो यहीं पे खाऊँगा, टेस्ट बहुत अच्छा रहता है यहाँ का। 4 घंटे लगे मेरे को तुरंत टोटल नीचे उतरने में, 4 घंटे। और मैं पार्किंग आ गया हूँ, ये पार्किंग देखो पूरी पैक रहती है, ऊपर नीचे कार, ये पूरी बाइक पार्किंग। अब गाड़ी यहाँ लेना है, 12 घंटे का 50 रुपीज़ के हिसाब से जो पेमेंट होगा वो हमको करना है, और निकलना है होटल, और उसके बाद हम निकल जाएंगे कल देहरादून। 4:29 हो रहा है, खाना ना खा के पार्किंग से गाड़ी लेके, और मैं अभी अपने रूम में आ गया हूँ।
मतलब अपने होटल आ गया, अपने रूम जा रहा हूँ अभी ऊपर। हालत ख़राब हो गई, अब तो सोऊंगा सीधा, कल अब देहरादून निकलूँगा। अरे कहाँ गया, रूम कौन सा है, ताला लगा हुआ है।